दोस्तों बजाज कंपनी अपने पल्सर NS125 का एक और नया मॉडल को हमारे इंडियन मार्केट पे लॉन्च करने वाली है, जो कि अभी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये जो NS125 का नया मॉडल है दोस्तों, ये हमारे इंडियन मार्केट पे कब तक लॉन्च होने वाला है, इसकी प्राइसिंग क्या होगी, फीचर्स क्या क्या होंगे, उसी के बारे में आज के इस वीडियो पे मैं आप लोग को पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ कि अभी जो आप लोग ये मॉडल देख रहे हैं, सेम यही मॉडल हमारे इंडियन मार्केट पे पहले बिकता था, जो कि दोस्तों पल्सर LS135 के नाम से बिकता था। बट यहाँ पर दोस्तों किसी रीजन की वजह से पल्सर LS135 को जो है हमारे इंडियन मार्केट से डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। बट यहाँ पर दोस्तों इस बाइक को जो है फिर से हमारे इंडियन मार्केट पे 125 सीसी इंजन के साथ जो है लॉन्च किया जाएगा बजाज कंपनी की ओर से, जो कि दोस्तों इसका नाम भी आप लोग को बजाज पल्सर NS125 ही देखने को मिल सकता है। और एक और बात दोस्तों आप लोग को बता दूं कि अभी जो आप लोग ये मॉडल देख रहे हैं, इस मॉडल को जो है बजाज कंपनी ऑलरेडी सेल कर रही है, बट हमारे इंडिया के बाहर इंटरनेशनल मार्केट पे इस बाइक को बेचा जा रहा है, जो कि दोस्तों हमारे इंडिया पे भी बहुत ही जल्द इस बाइक को जो है लॉन्च कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग इस बाइक का लुक्स को देखें, तो लुक्स आप लोग को पहले जो पल्सर 135 LS आती थी उसी की तरह आप लोग को इसका लुक्स देखने को मिलेगा, जो कि भाई देखने में काफी ज्यादा अच्छी लग रही है बाइक। और इस पर अगर आप लोग ग्राफिक्स वगैरह देखें, तो फ्यूल टैंक पे आप लोग को 125 वगैरह लिखा हुआ देखने को मिल रहा है, जिससे कि गाड़ी की जो लुक है वो बहुत ही ज्यादा स्पोर्टी लग रही है। तो आप लोग बताएं दोस्तों कि आप लोग को ये जो पल्सर NS125 का नया मॉडल है, ये आप लोग को कैसा लग रहा है नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखेगा। अब यहाँ पर दोस्तों बात करी जाए इस बाइक के फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को इस गाड़ी पर जो है ठीक ठाक से ही फीचर्स देखने को मिलेंगे। वैसे तो आप लोग को ज़्यादा फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे, बट नॉर्मल आप लोग को 125 सीसी में जितने फीचर्स देखने को मिलते हैं वो सभी फीचर्स आप लोग को इस गाड़ी में देखने को मिलेंगे। लाइक गाड़ी पर आप लोग को एनालॉग के साथ डिजिटल का मीटर कंसोल दिया जाएगा, हेलोजन का आप लोग को हेडलैम्प देखने को मिलेगा, और LED की आप लोग को टेल लैम्प देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों गाड़ी पर आप लोग को जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो आप लोग को CBSE देखने को मिलेगा, यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को गाड़ी पर जो है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर वगैरह तो देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों सस्पेंशन के बारे में बताऊं, तो फ्रंट पे आप लोग को टेलीस्कोपिक का देखने को मिलेगा, और रेयर पे दोस्तों आप लोग को जो है मोनो का सस्पेंशन देखने को मिलने वाला है। बाकी इंजन के बारे में बताऊं, तो इंजन दोस्तों आप लोग को इस बाइक पे सेम वही इंजन देखने को मिलेगा, जो कि अभी हमारे इंडियन मार्केट पे NS125 आ रही है, सेम उसी बाइक का इंजन आप लोग को इस बाइक में भी देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोग को इसके प्राइसिंग के बारे में बताऊँ, तो लगभग जो है दोस्तों आप लोग को 1,20,000 रुपए के आसपास में इसका प्राइसिंग देखने को मिलेगा, जो कि हमारे इंडियन मार्केट पे जो NS आ रही है उससे लगभग जो है 10,000 रुपए सस्ती होने वाली है। और यहीं पर दोस्तों मैं आप लोग को लॉन्चिंग डेट के बारे में बताऊं, तो वैसे तो बजाज कंपनी की ओर से ऑफिशियली कोई भी न्यूज़ नहीं मिली है, लेकिन इस गाड़ी को जो है 2023 में ही हमारे इंडियन मार्केट पे लॉन्च कर दिया जाएगा बजाज कंपनी की ओर से। तो अब आप लोग बताएं दोस्तों कि आप लोग को ये जो पल्सर NS125 का नया मॉडल है, ये आप लोग को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखेगा, एंड आप लोग का जो भी ओपिनियन हो नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखेगा। तो इस वीडियो को भी दोस्तों अब हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंड ऑल्सो राइड सेफ।